गुड मॉर्निंग। इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो जब भी हम कोई एक्सपेरिमेंटल मेजरमेंट लेते हैं तो देर आर सम अमाउंट ऑफ अनसर्टेनिटी एसोसिएटेड विद द रिजल्ट। ये क्यों आ जाती है? बिकॉज ऑफ लिमिटेशन ऑफ सम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट और स्किल ऑफ द पर्सन मेकिंग द मेजरमेंट। यानी कि जैसे मान लो एक इंसान है, वो मेजरमेंट ले रहा है तो उसकी कुछ वेरिएशन आ जाए रिजल्ट में। दूसरा बंदा ले रहा है, वो ज्यादा एक्यूरेटली ले रहा है तो उसमें हो सकता है कि अनसर्टेनिटी कम हो। दूसरा, जैसे अभी हम बात करेंगे इंस्ट्रूमेंट की, कि अगर हमें एक ऑब्जेक्ट का मास लेना है, अगर प्लेटफॉर्म बैलेंस पे हम उसका मास लेते हैं तो हमारे पास रिजल्ट आया 9.4 ग्राम। सेम ऑब्जेक्ट का मास हमने एनालिटिकल बैलेंस पे लिया और मास मिलता है 9.4213 ग्राम। तो यहाँ पे जो अनसर्टेनिटी आई वो आई बिकॉज ऑफ द लिमिटेशन ऑफ द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। यहाँ पे हमने देखा कि एनालिटिकल बैलेंस में जो मास की वैल्यू आई है दैट इज स्लाइटली ग्रेटर देन द वैल्यूज ऑब्टेंड ऑन द प्लेटफॉर्म बैलेंस। तो यहाँ पे प्लेटफॉर्म बैलेंस में, यानी कि जो डिजिटल के बाद पॉइंट डेसिमल के बाद जो वैल्यू 4 आई है, डेसिमल के बाद जो वैल्यू 4 है दैट इज अनसर्टेन। तो ये जो हमारी अनसर्टेनिटी है इन एक्सपेरिमेंटल और कैलकुलेटेड वैल्यूज, इट इज इंडिकेटेड बाय मेंशनिंग द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो व्हाट आर दीज सिग्निफिकेंट फिगर्स? सिग्निफिकेंट फिगर्स आर मीनिंगफुल डिजिट्स विच आर नोन विद सर्टेनिटी प्लस 1 विच इज अनसर्टेन। यानी कि हमारे पास, जैसे हमें एग्जाम्पल इससे समझते हैं, मान लो हमारे पास एक एक्सपेरिमेंट का डाटा आया जिसका हमारे पास रिजल्ट है 11.2 ml। तो यहाँ पे हमारे पास ये नंबर है 11.2, तो इसमें 11 जो वैल्यू है दैट इज सर्टेन और 2 जो वैल्यू है डेसिमल के बाद हमने 2 जो लिखा है दैट इज अनसर्टेन। और किसी भी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू में हम प्लस माइनस 1 जो लास्ट डिजिट है उसमें प्लस माइनस 1 की जो अनसर्टेनिटी है उसको नेचुरली अंडरस्टूड मान के चलते हैं। तो सिग्निफिकेंट फिगर हमारे क्या है? मीनिंगफुल डिजिट्स विच आर नोन विद सर्टेनिटी प्लस 1 डिजिट दैट इज अनसर्टेन। और जो अनसर्टेनिटी है इट इज इंडिकेटेड बाय राइटिंग द सर्टेन डिजिट एंड लास्ट अनसर्टेन डिजिट। तो क्या सिग्निफिकेंट फिगर्स को लिखने के लिए कुछ रूल्स हैं? जी हाँ। पहला रूल हमारा ये है कि जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स हैं दे आर सिग्निफिकेंट। जैसे हमारे पास एक वैल्यू है 285 सेंटीमीटर, तो इसमें सारे के सारे नॉन जीरो डिजिट्स हैं, तो यहां पे हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर कितने होंगे? 3। अब हम एक और वैल्यू लेते हैं, मान लो हमारे पास रिजल्ट है 0.25 ml, इसमें हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर है 2। तो यहां पे क्या आ गया? यहां पे है 0। तो अब हम बात करेंगे कि किसी वैल्यू में 0 है तो कब वो सिग्निफिकेंट होगी और कब सिग्निफिकेंट नहीं होगी। तो हमारा जो सेकेंड रूल है वो बोलता है कि 0 प्रिसीडिंग टू द फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट आर नॉट सिग्निफिकेंट। जैसे हमारा 0.25 में फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट था 2, तो उसके पहले जो 0 है दैट इज नॉट सिग्निफिकेंट, इसलिए इस वैल्यू में हमारे पास 2 सिग्निफिकेंट फिगर हैं। तो यहां पे ये जो 0 है यूज क्यों हुई? सच 0 इंडिकेट्स द पोजिशन ऑफ डेसिमल पॉइंट। जैसे हमारे पास वैल्यू है 0.03, तो इसमें जो हमारा फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट है दैट इज 3, उसके पहले जितने भी 0 हैं दीज आर नॉन सिग्निफिकेंट। तो हमारे पास 0.03 में सिग्निफिकेंट फिगर है 1। सिमिलरली अगर मान लो हमने ले लिया 0.003, इस वैल्यू में भी हमारे पास नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर होगा 1। अगर हमारे पास वैल्यू है 0.0052, इसमें हमारे पास नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर होंगे 2। ओके, तो ये तो हमने देख लिया कि 0 प्रिसीडिंग टू फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट आर नॉट सिग्निफिकेंट। थर्ड पॉइंट में हम देखेंगे कि अगर नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में 0 हैं, जैसे 2.005, तो यहां पे 0 आर इन बिटवीन द नॉन जीरो डिजिट, तो यस दीज 0 विल बी सिग्निफिकेंट। तो यहां पे 2.005 में हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने होंगे? देर आर 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब हम बात कर लेते हैं 0 एट द एंड ऑफ ए नंबर। ओके, तो यहां पे 2 केसेस हैं, ध्यान से सुना। 0 एट द एंड ऑफ ए नंबर आर सिग्निफिकेंट प्रोवाइडेड दे आर ऑन द राइट साइड ऑफ द डेसिमल पॉइंट। जैसे 0.200, तो हमने यहां पे पॉइंट लगा दिया है 0.200 एंड दीज 0 आर ऑन द राइट साइड ऑफ द डेसिमल पॉइंट, सो दीज आर सिग्निफिकेंट। तो यहां पे
इस नंबर में हमारे पास थ्री सिग्निफिकेंट फिगर होंगे एंड जीरो प्रिसीडिंग टू द डेसिमल पॉइंट या फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट इट इज नॉन सिग्निफिकेंट नॉट सिग्निफिकेंट. तो 0.200 में हमारे पास कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, थ्री सिग्निफिकेंट फिगर होंगे. ओके ध्यान रहे कि वी आर टॉकिंग अबाउट द जीरो ऑन द राइट साइड ऑफ द डेसिमल पॉइंट. अब हम बात करेंगे उन जीरो की जो डेसिमल पॉइंट के राइट साइड में नहीं है. टर्मिनल जीरो आर नॉट सिग्निफिकेंट फिगर इफ देयर इज नो डेसिमल पॉइंट. जैसे हमने लिख दिया 100, हमारे पास नंबर 100 है तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर होगा 1. हमारे पास नंबर 1000 है उसमें सिग्निफिकेंट फिगर होगा 1. बट वहीं पे हमने लिख दिया है 100 पॉइंट तब सिग्निफिकेंट फिगर. ये जो हमारी जीरो हो गई ये हमारी डेसिमल के प्रेसिडिंग है और जो नॉन हमारा नॉन जीरो नंबर है जैसे हमारा 1 है उसके राइट साइड है. तो यहां पे हमारे 100 पॉइंट इसमें टोटल सिग्निफिकेंट फिगर होंगे 3. 100.0 इसमें टोटल सिग्निफिकेंट फिगर होंगे 4. क्योंकि अब ये जो जीरो हैं दीज आर ऑन राइट साइड बट इनके राइट साइड में हमने क्या लगा दिया है, डेसिमल पॉइंट. अगर ये डेसिमल पॉइंट नहीं होता तब ये नॉट सिग्निफिकेंट होती बट क्योंकि इनके पीछे जो इनके राइट साइड में एक डेसिमल लगा हुआ है, एक पॉइंट लगा हुआ है, नाउ दीज जीरो आर सिग्निफिकेंट. तो इस तरह के जो नंबर्स हैं उनको हम बेटर रिप्रेजेंट कर सकते हैं यूजिंग साइंटिफिक नोटेशन. जैसे हमें 100 को एक्सप्रेस करना है तो वी कैन राइट 1 × 10^2. तो यहाँ पे जो हमारी एक्सपोनेंट वैल्यूज हैं उनके लिए हम सिग्निफिकेंट फिगर यूज नहीं करेंगे. वी यूज द सिग्निफिकेंट फिगर फॉर डिजिट टर्म. और यहाँ पे हमारी डिजिट टर्म जिसको हम कैपिटल एन से लिखते हैं तो 1 जो है दैट इज अवर डिजिट टर्म. सो इन दिस वैल्यू सिग्निफिकेंट फिगर विल बी 1. अगर हमने लिख दिया 1.0 × 10^2 तो यहाँ पे हमारी डिजिट टर्म है दैट इज 1.0 तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर होंगे 2. अगर हमने इसी को लिख दिया 1.00 × 10^2 तो यहाँ पे डिजिट टर्म हमारी है 1.00 तो सिग्निफिकेंट फिगर इज 3. ओके हम एक और बात बोलते हैं कि अगर मान लो किसी ऑब्जेक्ट को हम काउंट करते हैं, रूल नंबर 5 की हम बात कर रहे हैं, हमने ऑब्जेक्ट्स को काउंट किया, ऑब्जेक्ट्स आर सर्टेन नंबर, जैसे 2 बॉल्स हैं, 20 एग्स हैं, तो यहाँ पे नंबर इज सर्टेन तो दे कैन हैव इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर. ऐसा क्यों भाई, नंबर सिग्निफिकेंट हमारा यहाँ पे तो मतलब सर्टेन नंबर है. अगर हमने बोला 2 बॉल है तो इसमें तो सिग्निफिकेंट फिगर 1 ही होना चाहिए क्योंकि हम 2 लिख सकते हैं. जी नहीं, इसमें ये है कि अगर हमने 2 के बाद डेसिमल लगा दिया और डेसिमल के पीछे आप कितने भी जीरो लगा लो तो वी कैन राइट इनफाइनाइट नंबर ऑफ जीरो आफ्टर प्लेसिंग ए डेसिमल क्योंकि ये सर्टेन नंबर है, नंबर चेंज होगा ही नहीं. 2.0000 कितनी भी जीरो, इनफाइनाइट नंबर ऑफ जीरो वी कैन पुट. तो इस तरह के जो डेफिनेट नंबर हैं, सर्टेन नंबर हैं, दे कैन हैव इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर एज दीज आर एग्जैक्ट नंबर. ओके अब नेक्स्ट हम बात करते हैं अगेन साइंटिफिक नोटेशन को लेके कि जितने भी, जैसे मैंने पहले भी बताया है कि साइंटिफिक नोटेशन में ये हमारी एक्सपोनेंट वैल्यूज है और ये हमारी डिजिट टर्म है. तो जितने भी डिजिट्स हैं दीज डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट. जैसे 4.01 × 10^2 लिखा हमने तो यहाँ पे हमारी डिजिट है 4.01, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे 3. ये है 8.256 × 10^-3 तो ये तो हमारी एक्सपोनेंट टर्म हो गई 10^-3. डिजिट है हमारी 8.256 तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने होंगे, 4. ओके अब मान लो जब हम 2 वैल्यूज को 3 वैल्यूज को ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो इज देयर एनी रूल टू अप्लाई द सिग्निफिकेंट फिगर. यस, यहां पे मान लो वी आर एडिंग द नंबर, हमने लिया 2.11 उसमें हमने ऐड किया 18.0 प्लस 1.012, हमने इन वैल्यूज को ऐड किया, हमारे पास जो रिजल्ट था दैट इज दिस 131.122. तो क्या इस रिजल्ट में हमारे पास नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स 5 होंगे? जी नहीं, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स 5 क्यों नहीं होंगे, ये इसलिए नहीं होंगे क्योंकि यहां पे हमारा एक रूल है. रूल क्या बोलता है कि जिन ओरिजिनल वैल्यूज को जिन पे हम ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हैं एडिशन और सब्ट्रैक्शन का, इन ओरिजिनल वैल्यूज में जिस किसी भी वैल्यू में डेसिमल के बाद जो नंबर ऑफ डिजिट्स मिनिमम होंगे हमारे आंसर में भी डेसिमल के बाद उतने ही मिनिमम नंबर ऑफ डिजिट्स होंगे. तो यहाँ पे रूल क्या है कि जो रिजल्ट है इट कैन नॉट हैव मोर डिजिट्स टू द राइट ऑफ द डेसिमल पॉइंट, राइट ऑफ द डेसिमल पॉइंट देन आइदर ऑफ द ओरिजिनल नंबर.
तो यहाँ पे ओरिजिनल नंबर में हम देखेंगे कि जो हमारा 18.0 है इसमें डेसिमल के बाद केवल एक ही डिजिट है, तो हमारा जो रिजल्ट होगा उसमें डेसिमल के बाद केवल एक ही डिजिट आएगा, ना कि ये दो डिजिट। तो हमारा यहाँ पे जो रिजल्ट होगा 18.0 में केवल एक डिजिट आफ्टर डेसिमल पॉइंट, तो रिजल्ट शुड बी रिपोर्टेड ओनली अप टू वन डिजिट आफ्टर द डेसिमल पॉइंट, तो हमारा रिजल्ट क्या होगा 31.1। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, मान लो हमारे पास 14.8 माइनस 2.028 है, इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा 12.772। तो इसमें भी हम देखेंगे कि जो हमारा ओरिजिनल वैल्यू है 14.8, इसमें डेसिमल के बाद केवल एक ही नंबर है, एक डिजिट है, तो हमारा जो आंसर होगा उसमें डेसिमल के बाद एक से ज्यादा डिजिट नहीं हो सकते, तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा 12.7। नेक्स्ट एक और एग्जांपल देखते हैं, मान लो 16 है, इसमें से हमने माइनस किया 3.02 और माइनस किया 4.755, हमारा जो आंसर आता है दैट इज 8.225। लेकिन क्या हमारे पास इसमें फोर सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, क्या हमारे पास इसमें डेसिमल के बाद नंबर होगा? देखो यहाँ पे हमारा जो 16 है उसमें डेसिमल नहीं है, डेसिमल के बाद कोई डिजिट नहीं है, तो हमारा जो आंसर होगा उसमें भी डेसिमल के बाद कोई डिजिट नहीं होगा। तो इस हमारा ये जो रिजल्ट है दैट इज 8, जो हमारा रिजल्ट है दैट इज 8, क्योंकि इसमें डेसिमल के बाद कोई डिजिट है ही नहीं। ओके, अब हम मल्टीप्लीकेशन और डिविजन देखते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर्स कैसे लिखते हैं फॉर मल्टीप्लीकेशन एंड डिविजन। यहाँ पे क्या होगा, मान लो हमें दो ओरिजिनल वैल्यूज को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो जिस ओरिजिनल वैल्यू में जो मिनिमम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, आंसर में भी हमारे वही उतने ही नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। रिजल्ट मस्ट बी रिपोर्टेड विद नो मोर सिग्निफिकेंट फिगर एज इन द मेजरमेंट विद द फ्यू सिग्निफिकेंट फिगर। एग्जाम्पल से समझते हैं, मान लो हमने लिया 2.5, उसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं 1.25 से, तो वैल्यू तो हमारी आई 3.125। अगर इस वैल्यू में हम देखेंगे तो देयर आर फोर सिग्निफिकेंट फिगर, बट हम जिन वैल्यूज को मल्टीप्लाई कर रहे थे, ओरिजिनल वैल्यू 2.5, यहाँ पे दो सिग्निफिकेंट फिगर है, 1.25 यहाँ पे थ्री सिग्निफिकेंट फिगर है, तो हमारा रूल क्या बोलता है कि जो हमारी ओरिजिनल वैल्यूज हैं उसमें जिस वैल्यू में जिसमें मिनिमम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर होंगे उतने ही नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर हमारे आंसर में होंगे। तो मिनिमम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर 2.5, ओनली टू सिग्निफिकेंट फिगर, तो हमारे आंसर में भी टू सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, तो यहाँ पे जो हमारा रिजल्ट होगा दैट विल बी 3.1। एक और एग्जांपल देखते हैं, मान लो 2.5 है, उसको हमने डिवाइड किया 1.25 से, तो ये यहाँ पे हमारा वैल्यू आ जाता है 2। तो यहाँ पे इसका जो रिजल्ट है, क्योंकि मिनिमम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो सकते हैं, दो हो सकते हैं, तो इस रिजल्ट को हम 2.0 लिख सकते हैं, इस रिजल्ट को हम 2.00 नहीं लिख सकते हैं। मिनिमम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर मतलब आपका कितना होगा, जितना आपकी ओरिजिनल वैल्यू में मिनिमम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट है, उससे ज्यादा हमारा रिजल्ट में नहीं जा सकता। अब यहाँ पे देखते हैं, 2.5 को अगर 1.45 से डिवाइड करते हैं तो हमारी ये वैल्यू आ जाती है 1.7241 समथिंग। तो क्या इतने नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर हमारे आंसर में होंगे? जी नहीं, क्योंकि यहाँ पे हमारी एक ओरिजिनल वैल्यू है जिसका नंबर है 2.5, जिसमें हमारे दो से ज्यादा सिग्निफिकेंट फिगर नहीं हो सकते, तो रिजल्ट में भी हमारे दो से ज्यादा सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होंगे, अवर रिजल्ट विल बी 1.7। ओके, तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि जो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं उन पे हमने एक लिमिटेशन पुट कर दिया, जो नंबर हम लिख रहे हैं, तो व्हाइल लिमिटिंग द रिजल्ट टू द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर एज डन इन अवर मैथमेटिकल ऑपरेशन। तो हमें जब हम लिमिटेशन पुट कर रहे हैं, यानी कि हम ये बोलेंगे कि हम इन नंबर्स को राउंड ऑफ कर रहे हैं, तो कुछ पॉइंट्स हैं जो हमें माइंड में रखने होंगे। पहला पॉइंट कि जिस डिजिट को हम रिमूव कर रहे हैं, इफ दैट डिजिट इज मोर देन 5, तो हम क्या करेंगे, जो हमारा प्रिसीडिंग नंबर है दैट विल बी इंक्रीज्ड बाय 1। तो पहला रूल हमारा क्या है, इफ द राइट मोस्ट डिजिट टू बी रिमूव्ड इज मोर देन 5, तो प्रिसीडिंग नंबर इंक्रीज बाय 1। जैसे हमारा ये वैल्यू है 1.386, तो हमें इसमें से नंबर 6 को रिमूव करना है, तो 6 नंबर 6 इज मोर देन 5, तो जो प्रिसीडिंग नंबर है उसमें एक नंबर इंक्रीज हो जाएगा, तो हमारा आंसर हो जाएगा 1.39। सेकंड, अगर हमारा जिस डिजिट लास्ट डिजिट को हम रिमूव कर रहे हैं, इफ इट इज लेस देन 5, तो जो हमारा प्रिसीडिंग नंबर है वो चेंज नहीं होगा। यहाँ पे हम एग्जाम्पल लेते हैं, मान लो 4.334 है, इसमें हमें 4 को रिमूव करना है, तो 4 इज लेस देन 5, तो जो हमारा प्रिसीडिंग नंबर है वो चेंज नहीं होगा, तो हमारा रिजल्ट क्या हो जाएगा 4.33। ओके, अब हमने बात की कि अगर हम जिस डिजिट को रिमूव कर रहे हैं वो मोर देन 5 है या फिर लेस देन 5 है, तब तो हमने केस देखा, बट अगर जिस डिजिट को हम रिमूव कर रहे हैं अगर वो नंबर 5 है, तब प्रिसीडिंग नंबर चेंज होगा,
इफ इट इज एन ओड नंबर तो प्रीसीडिंग नंबर इंक्रीज बाय 1, और अगर जो आपका प्रीसीडिंग नंबर है वो इवन नंबर है तो इट विल नॉट चेंज। जैसे मान लो 6.35 है, तो 6.35 में हमें 5 को रिमूव करना है, तो प्रीसीडिंग नंबर 3 है, ओड नंबर है, तो इट विल चेंज, इट विल इंक्रीज बाय 1, तो हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी 6.4। सेकेंड अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें हमारा 6.25 वैल्यू है, तो 5 को रिमूव करना है, लेकिन जो 5 के पहले जो वैल्यू है, प्रीसीडिंग वैल्यू, दैट इज इवन नंबर, तो इवन नंबर हमारा चेंज नहीं होगा, तो इस केस में राउंड ऑफ करने पर हमारा वैल्यू आ जाएगा 6.2। सो इस वीडियो में हमने समझा नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर, रूल्स फॉर सिग्निफिकेंट फिगर्स, एडिशन, मल्टीप्लीकेशन, डिविजन, सब्ट्रैक्शन, राउंड ऑफ। सो ऑल दिस हमने ये सारा का सारा इस वीडियो में क्लियर किया। थैंक यू।